हाय गाइस, मैं हूं फरहान। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, और कोशिश करेंगे इस बार कम से कम पटाखे जलाएं जिससे कि एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन कम से कम हो। दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको मेरा ये आज का मेकअप लुक? ये मैंने स्पेशल दिवाली मेकअप लुक क्रिएट किया है आप लोगों को दिखाने के लिए, वो भी बजट में। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक ही है बजट फ्रेंडली मेकअप लुक स्पेशली दिवाली के लिए। मैंने जितने भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो सभी बजट फ्रेंडली हैं, 200-300 के आसपास ही हैं, जो कोई हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो अगर आपको मेरा आज का ये मेकअप लुक पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए चलिए देखते हैं हमें क्या क्या यूज़ करें, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम प्राइमर यूज़ करेंगे। आप प्राइमर में कौन से प्राइमर ले सकते हैं, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली मेकअप है तो मैं यहाँ पे अलग रजन यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैंने देखा कि फोन लिया हुआ है, इसे मैं एक ही हाथ से आपको लगा करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। इसके बाद हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे। मॉइस्चराइजर में मैं यहाँ पे निविया की क्रीम यूज कर रही हूँ, ये वाली। विंटर के लिए क्रीम बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जिसके स्किन ड्राई स्किन है तो बहुत ही अच्छी है। अब हमारा फेस पूरे मेकअप के लिए तैयार हो चुका है। अब हम अपने बेस को अपने बेस के लिए लगाएंगे फाउंडेशन। आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कोई सा भी अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कोई सा भी फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लैक्मे फाउंडेशन लगा रही हूँ, जो मेरे स्किन टोन को बहुत सूट करता है। लैक्मे इनविजिबल फिनिश लैक्मे परफेक्ट रेडियंट स्किन लाइटिंग फाउंडेशन SPF, इसमें साथ में SPF भी है। एक ब्यूटी ब्लेंडर की वजह से इसे अच्छे से अपने स्किन पे अप्लाई कर लेंगे। आप चाहो तो फाउंडेशन ब्रश आता है उससे भी अपने से फाउंडेशन लगा सकते हैं। देख सकते हो फाउंडेशन हमारा लग गया है। अब हम कंसीलर यूज करेंगे, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल हैं हल्के, तो मैं यहाँ पे कंसीलर यूज कर रही हूँ। कंसीलर में ओरिफ्लेम का, आप देख सकते हैं ये इल्यूशन पिंक है ये, तो मैं ये वाला कंसीलर यूज कर रही हूँ। आपके जहाँ जहाँ डार्क सर्कल हो आप वहाँ लगा सकते हैं। जैसे मेरे अंदर आई एरिया में डार्क सर्कल है तो मैं इसे कवर करने के लिए यहाँ पर लगा रही हूँ। इसे भी हम एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे। हमें हमेशा भी जब भी फाउंडेशन हो या कंसीलर हो, हमेशा ऐसे ऐसे करते हुए तपाते हुए ही, हमें से कभी रगड़ना नहीं है, ताकि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो हमारे स्किन में चला जाए और बिल्कुल नेचुरल लुक दे। सॉरी, मैं गर्दन पे लगाना भूल गई थी।
अब हम अपने बेस को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ करेंगे। मैं कॉम्पैक्ट में यहाँ मेबलिन का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल बजट में है। अगर आप ऑनलाइन लेने जाओगे तो आपको 180 की अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ मैं मेबलिन न्यूयॉर्क का जो आता है कॉम्पैक्ट में, वो यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि फाउंडेशन कंसीलर लगाने के बाद में अपने बेस को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं आपका बेस लंबा चले, लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो अपने फेस पे जब भी आप फाउंडेशन लगाइए, कंसीलर लगाइए, उसको हमेशा लूज पाउडर से, कॉम्पैक्ट से हमेशा अपने फेस को सेट करिए, ताकि आपका जो बेस है वो बना रहे। अब हम अपने आईब्रो को शेप देंगे। मैं यहाँ पे लक्मे की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इसका शेड है 04 लाइट ब्राउन। काजल मैं यहाँ पे स्टे कॉर्की का काजल यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं काजल लगाना पसंद नहीं करती, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे काजल लगा रही हूँ। बहुत ही अच्छा काजल है और बिल्कुल बजट में है। इस टाइम पे दिवाली ऑफर भी चल रहा है, इसके पर्पल पे सेल चल रही है। दोस्तों, ये बिगनर मेकअप ट्यूटोरियल है, तो मैं आपको एक ट्रिक दूंगी। जिसको आईलाइनर नहीं लगाता, जो बिगनर होते हैं उनको आईलाइनर नहीं लगाने आता, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी टिप्स है कि आप जो काजल, जैसे मैं यहाँ पे स्टे कॉर्की का काजल यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसी से आपको आईलाइनर लगाना दिखाऊंगी। देख सकते हैं कितना अच्छा आईलाइनर लगाया है मैंने, वो भी काजल से लगाया है। मेरी आँखें कितनी बोल बोल लग रही है। आपने क्या किया, आपने काजल से अपनी आँखों को काजल भी लगा लिया, उससे लाइनर भी लगा लिया। अब बिगनर्स को ये हमेशा दिक्कत होती है, क्योंकि जब वो आईलाइनर लगाते हैं तो उनके जो आईलाइनर वो ठीक से नहीं लगते। तो अब हमें क्या करना है कि हमने काजल से आईलाइनर को लगा लिया, अब उसे फिनिश टच देने के लिए हम अपने लिक्विड लाइनर को उसके ऊपर लगा लेंगे। इससे हमारा ग्लॉसी लुक भी आएगा और कम्प्लीट मेकअप लुक भी हो जाएगा। सब देखते थे कितना अच्छा लाइनर हमारा लगा है। अब अपने फेस को कॉन्टोरिंग करेंगे। कॉन्टोरिंग के लिए मैं आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दे रही हूँ। जो मैंने यहाँ पे लैक्मे का जो ब्राउन पेंसिल यूज़ किया था, मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। आप इसे एज अ कॉन्टोरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ऑप्शन और दे रही हूँ, ये सिवाना का। आप देख सकते हैं सिवाना का आई शेडो पैलेट मैंने लिया था, उसका जो ब्राउन शेड है ये मैं आपको इससे कॉन्टोरिंग करके दिखा रही हूँ। ये मैं एक फ्लैट ब्रश से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। कॉन्टोरिंग में हमेशा अपनी जॉ लाइन से स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी जॉ लाइन पे आपको करके दिखा रही हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी कितनी बढ़िया कॉन्टोरिंग हो गई है। अब हम ब्लश लगाएंगे।
दोस्तों हम लेशर के लिए यहाँ पे मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ क्योंकि ये बजट मेकअप ट्यूटोरियल से साथ में दिवाली का, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कम से कम प्रोडक्ट में आपको अच्छा से अच्छा मेकअप दिखा सकूँ। तो मैं यहाँ पे विंटर का सीजन, तो मैं यहाँ पे क्रीमी ब्लश यूज़ कर रही हूँ। आप क्रीमी ब्लश लेने जाओगे तो 250-300 के मिलेंगे। तो मैं आपको ये एक बढ़िया सी ट्रिक दे रही हूँ कि आपके पास पिंक लिपस्टिक को हर किसी के पास होती है। मैं यहाँ पे पिंक लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन की एलेटिन की पिंक शेड की लिपस्टिक है। इसका कोड है 54, क्योंकि इसमें कोको बटर पड़ा है, आप जानते हैं कितनी अच्छी होती है। तो मैं इसे एज अ ब्रश यूज़ कर रही हूँ। हम इसे पाउडर ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा क्रीमी लुक लग रहा है बिल्कुल हमारे ब्लशर का। लास्ट चीज जो बची है वो है हाइलाइटिंग। अब हम करेंगे हाइलाइटिंग की। तो मैंने जैसे कहा कि मैं यहाँ पे आपको ट्रिक पे ट्रिक बता रही हूँ, तो एक जो ट्रिक मैं आपको बताते रहती हूँ ये है मेरा पाउडर ब्रश। देखिए जी हाँ दोस्तों, जो अभी आपने देखा जैसे मैंने ब्रश लगाया था उसको मैंने क्या किया, उसे हाइलाइटिंग ब्रश बना लिया। आप सभी के पास ऐसी चिमटी तो ज़रूर होती घर में, तो मैंने उसे इसे लगा लिया और ये हमारा मेरा बढ़िया सा हाइलाइटिंग ब्रश तैयार हो गया। अब मैं मैं हाइलाइटिंग के लिए मैंने जो दिखाया था अपना सिवाना का, आपको दिखा देती हूँ फिर से। सिवाना मेकअप एकेडमी प्रोफेशनल, ये बहुत ही अच्छा पैलेट है, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। इसका कोड है 02। मैं आपको हाइलाइटिंग लगा के दिखाती हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे ये गोल्डन वाला शिमरी लगा करके दिखा रही हूँ आपको हाइलाइटिंग के लिए। मुझे बहुत ही पसंद है गोल्डन, आप देखते हो मेरे वीडियोज़ में कि मैं हाइलाइटिंग ज़रूर करती हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपने चीक बोन को हाईलाइट किया है। और लास्ट में मेरी आदत है, मैं हाथ से ज़्यादातर मेकअप करती हूँ, तो मैं अपने फिंगर से यहाँ पे नोज़ के टिप पे लगा लेती हूँ। मैं आई मेकअप करना पसंद नहीं करती, तो मैंने आपको लगा कर भी दिखाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे लगा करके हल्का दिखा दे रही हूँ। मैं यहाँ पे अपनी आईब्रो बोन की जो ये है मैं यहाँ पे आपको लगा करके हाईलाइटर दिखा रही हूँ। लिपस्टिक लगाएंगे, मैं यहाँ पे रेडियस की लिपस्टिक जो आती है रेडियस का लिप लाइनर मैं वो यूज कर रही हूँ। इसे अपने लिप्स को शेप देंगे। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे मेबलिन की चिली रेड लिपस्टिक लगा रही हूँ, जिसका कोड है 211 रेड ब्रश। जी हाँ दोस्तों, ये मेबलिन की लिपस्टिक है और ऑब्वियसली बात है कि फेस्टिवल लुक है तो बोल्ड लुक तो चलता ही है, तो मैं यहाँ पे रेड लिपस्टिक लगा रही हूँ। और हर किसी लड़की को ये रेड कलर बहुत पसंद होता है, तो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं यहाँ पे रेड लगा के आपको दिखाती हूँ। सॉरी गाइस, बातों में मस्कारा लगाना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे अपना ब्लू हेवन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो और मेरा मेकअप लुक पसंद आया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।